अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ऑनलाइन साइट में किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे बदले। तो भाई लोग, ये वाली चीज़ करना बहुत ही सिंपल है। बस आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी भी कोडिंग आती है, जैसे C++, जावा, पाइथन, ऐसी कोई भी लैंग्वेज आती है, तो आपको इस ट्रिक के बारे में ज़रूर पता होगा। और अगर नहीं पता है और आप इस ट्रिक को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे हर एक स्टेप को फॉलो करना। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको कोई सी भी वेबसाइट सर्च करनी है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, स्नैपडील, कोई सी भी। जैसे मैं अभी करता हूँ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को सर्च, और इनमें जो भी प्रोडक्ट मेरे सामने आते हैं, सबसे पहले मैं आपको उनमें ही करके दिखाता हूँ। तो इसमें मैं नोट 2 5G खोल देता हूँ, और इसमें खोल देता हूँ फ्लिपकार्ट, लोड हो रहा है अभी। तो इसकी प्राइस है 30,000, और इसमें मैं खोल देता हूँ ये लैपटॉप आसोस का, ठीक है। अभी आप इनकी प्राइस को मैं आपके सामने ही चेंज करूँगा, और एक एक स्टेप देखना, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। अभी इसमें खोल देता हूँ ये लेनोवो का लैपटॉप। अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइस को कैसे चेंज करना है। इसकी प्राइस है 49,990। तो इसमें आपको जाना है, और नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, हाँ, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो कोडिंग की लैंग्वेज होती है वो आपके सामने खुल जाएगी। आपके सामने अगर ऐसे छोटे विंडोज़ में खुलेगा, तो इसको क्लिक करके पूरा बड़ा कर देना। यहाँ पे आपको जो लाइन ब्लैक ब्लैक आएगी ना, ट्रांसपेरेंट ब्लैक, उसके ऊपर प्राइस दिखी होगी, तो उसके ऊपर डबल क्लिक करके माउस के राइट साइड से आपको उसकी प्राइस को जो मन हो कर दो, चाहे 0 करो, 40 करो, 1 करो, 2 करो, 10 करो, कितना भी। अभी मैंने उसकी प्राइस 40 कर दिया लैपटॉप की, और इसकी भी कर देता हूँ। तो इसमें भी आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद इसकी प्राइस को मैं कर देता हूँ 0। तो देखो यहाँ पे ये आ रही है ब्लू लाइन, तो आपके जो भी लाइन होगी जिस भी कलर की हाईलाइट होकर आएगी, तो इस पर जो इसकी प्राइस है उसको मैं कर देता हूँ 0 पे। बस आपको माउस पे डबल क्लिक करना है, 0 करना है, और माउस को वापस इसको इंटर क्लिक करके इसको इनटू में कट कर देना है। अभी इसकी प्राइस आ गई चुकी है, जो कि कोई भी नहीं है, मैंने 0 भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं है। अभी इसकी प्राइस को अपन वापस चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कुछ एक लगा, अगर एक वहाँ पे होता तो आप उसको 10,000 वापस कर सकते थे, लेकिन अगर आपने प्राइस को पूरी तरीके से गायब कर दिया तो वापस से नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, चाहे आप इंस्टाग्राम पे बताओ, अपने दोस्त को बताओ, लेकिन ये रियलिटी में होता नहीं है। रियलिटी में जब आप इसको बाय करने जाओगे या फिर इस प्रोडक्ट को अपने कार्ड में डालोगे, तो ये चेंज हो जाएगी वापस से, जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो आ जाएगी। सबसे पहले फ्लिपकार्ट में ट्राई करता हूँ, तो इसमें तो मैं, हाँ, ये देख सकते हैं आप, जो 49,990 प्राइस है वही आ रही है। अभी अमेजॉन में भी ट्राई कर देते हैं। अब अमेजॉन के अंदर भी इस प्रोडक्ट को मैं डालता हूँ कार्ड के अंदर, तो ये कार्ड के अंदर डाल दिया है मैंने। कार्ड के अंदर जाके प्राइस चेक करते हैं कि क्या प्राइस इसकी शो कर रहा है। तो अगर कार्ड के अंदर जाए तो यहाँ पे इसके पूरे 29,999 शो कर रहा है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है, आप अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और स्टोरी डाल सकते हैं ऐसे। जैसे आप इसमें आईफोन के भी प्राइस चेंज कर सकते हैं, तो ये बस प्रैंक करने के लिए है। अगर आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई है, तो ये वाला प्रैंक किसी अपने फ्रेंड के साथ जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो भी पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, 'cause it always shows.